और मैं तो मानता हूँ कि नीट तो कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे डॉक्टर का कुछ लेना देना भी है जो नीट का करिकुलम है जिसमें वो पूछा जाता है। मुझे आता समझ में फिजिक्स में पूछा जाता है, जैसे मैं था, मैं फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो भी टॉपर कर गया, मुझे नहीं बनना चाहिए था कायदे से। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू बी सिलेक्टेड एज अ डॉक्टर। थिएटर देखी है और सबको लगता है कि जो आमिर खान ने बोला था कि अपने पैशन को फॉलो करो और लाइफ में तुम बहुत एक्सेल कर जाओगे, बट सच बात पता है क्या है, ये एक मिथ है, ये झूठ है। मिनी टाइम दिखा पाते तो हम ऐसे ही जब आपको रिसर्च कर रहे थे तो हमारी टीम ने ऑब्जर्व किया कि आपका जो यूजर नेम है वो है पार्थ आगे अंडरस्कोर वीगन। तो अब ये जो वीगनिज्म है ये आपने लाइक पहले से आपका सपोर्ट था इस चीज़ के लिए? छोटू बाबा नहीं रहे, मेरा घर का नाम छोटू था और फर्स्ट टाइम मैंने घर में किसी की डेथ होते हुए देखी, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही था कि किसी की भी डेथ होते हुए देखी। मैं नीचे गया और वहाँ पर मेरे दादाजी लेटे हुए थे और मतलब मैं सोच रहा था कि उठ जाएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब उठ जाएंगे ना। तो मैं सच बताऊँ मतलब मेरे को बड़ा अचंभा है इस बात का कि उन कॉलेज स्टूडेंट्स के कॉलेज के डीन को मैसेज गए कि आपका बच्चा ये वीडियो बना रहा है। वो मैसेज मतलब एनटी ने नहीं किया होगा, दे आर डन बाय पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम, ठीक है, और उनसे वो वीडियो हटवाए। इवन मैं भी अपने वीडियो मुझे हटाने पड़े इसी वजह से, मतलब इस लेवल पे चीजें चल रही हैं। तो एक होता है शर्मा जी का लड़का जो इंजीनियर बनना चाहता है और जेई की तैयारी करके इंजीनियरिंग करता है, एक होता है गुप्ता जी का लड़का जो मेडिकल परस्यू करना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है और नीट की तैयारी करके मेडिकल कॉलेज में जाता है, फिर एक आता है गोयल साहब का लड़का जो बायो और मैथ्स दोनों पढ़ता है और जेई और नीट दोनों पेपर्स क्वालिफाई करके क्लियर करके ये डिसाइड करता है कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो ऐसे ही एक महारथी हमारे साथ है डॉक्टर पार्थ, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को जो आपको मतलब जानती है और किस तरीके से आपको पहचाने। बिल्कुल, तो आपके जो इंट्रोडक्शन है उससे मुझे लगता है काफ़ी हाइप अप कर दिया आपने मुझे, बट बिलीव मी जो मैं अंदर से मानता हूँ वो ये है कि मैं एक बड़ा भाई हूँ उन सभी लोगों का जो मुझ पर विश्वास करते हैं कि हाँ पार्ट्स भैया या पार्ट्स सर हमें गाइड करेंगे अच्छे से अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए और हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो हमें ज़रूरत है। तो दैट्स इट, मैं कोई मतलब मुझे इतना बड़ा खुद को नहीं मानता हूँ, बट ये है कि हाँ बच्चों के लिए काम किया है और खुद उस जर्नी से गए हैं तो ये आइडिया है कि कैसे करना है। जैसे कि अपन देखें जो जेई जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके जो जीतू भैया होते हैं वो आप मेडिकल वाले बच्चों के जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही थोड़ा सा सपना भी था कि ऐसा बनना है बच्चों के लिए कि उनको इमोशनली भी सपोर्ट करना है, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे बताता रहता हूँ, भले कई सारे बच्चों को इंटरेस्ट कम आता है बट हाँ थोड़ा लाइफ के रिगार्डिंग भी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरत है बताने के लिए। ठीक है, फिर अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी तो आप मेडिकल लाइन में हो, आप डॉक्टर ऑलमोस्ट बन ही गए, तो जो बच्चे मतलब मेडिकल लाइन में जाते हैं वो हमने देखा अक्सर टॉपर होते हैं, तो क्या आप भी बचपन से ही टॉपर थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे केस में, तो मैं बचपन से कभी टॉपर नहीं था, ठीक है, और इवन मेरा ऐसा सिनेरियो होता है कि रिश्तेदार कोई भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं था मेरे से। अच्छा। ना मेरे रिश्तेदारों का, ना मेरे पापा मम्मी का, किसी का भी कुछ नहीं था, कि लोगों को लगता था कि ये तो अपने पापा का बिजनेस संभालेगा। अच्छा। दैट्स इट, और हमें भी ऐसी लगता था, ठीक है, बचपन में कैमरा चलाने का बड़ा शौक था। हाँ। तो मेरे घर में एक छोटा सा कोडेक का कैमरा आया था जो डिजिटल कैमरा उस टाइम पे चलते थे। हाँ। और मैं फोटो खींचता था तो मेरे दादाजी मेरे से छीन लेते थे कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हाँ, सही बात। और इस तरीके से चीजें थी और खुद को भी लगता शायद मैं पढ़ाई के लिए नहीं बनाऊ, बट धीरे धीरे जब मैं क्लास 8th में आया वो थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार सब लोग फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, ये बार किताब खोल के पढ़ के देखते हैं क्योंकि उस टाइम तक क्या बात है पढ़ाई में। हाँ, ऐसा क्या है मतलब, क्योंकि उस टाइम तक ये था कि पढ़ाई का मतलब ये होता था स्कूल जाना है डेली, टीचर की बात माननी है, कॉपी बनानी है और साइन करके देना है और एग्जाम में जो कॉपी में लिखा है उसको रट के एग्जाम में लिख के आना है तो आप टॉपर हो, तो फिर आप बहुत अच्छे बच्चे हो। दैट वाज पढ़ाई, जो स्कूल में बोल रहे करो आपने वो पूरी कर ली, वही वही चलता गया तो बढ़िया टॉप कर जाओगे। बिल्कुल, मतलब कोई ये बात नहीं कर रहा कि क्यूरियोसिटी नाम की भी चीज होती है कि मतलब साइंस है तो उसमें कि भाई जैसे एटम होता है कि भाई सबसे पार्टिकल काटते हैं तो एक छोटा सा वो बनता है एटम कि उसको नहीं काट सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि मतलब मजा आए कुछ क्यूरियोसिटी जगे, सब एक भेड़ चाल है कुछ टाइप से कुछ चल रहा है, तो उस टाइम तक वो चलता था तो मतलब मजा नहीं आता। लेकिन जब 8th क्लास में मैंने किताब उठा के देखा और
मुझे याद है मैंने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के ऊपर, हाँ। और लाइट जो है बहुत तेज ट्रेवल करती है, और लाइट साउंड में, लाइट ज्यादा तेज ट्रेवल करती है साउंड के कंपैरिजन में, उसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट्स से अपन प्रूव कर सकते हैं, हाँ। सब चीजें, तो बड़ा मजा आता था कि यार मतलब अपन ऐसी ऐसी चीजें, बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं ये, इनको कितनी डीप डेप्थ में पढ़ सकते हैं, तो वहां से क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, दैट्स इट। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि अभी भी कुछ टॉप मारना है, कुछ करना है, मतलब बस आपने कि सब्जेक्ट में डीप जाके सब्जेक्ट पढ़ा और समझा कि होता क्या है असलियत में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ के नहीं निकाल ली चीजें, बिल्कुल। और इसके साथ एक इंसिडेंट भी जुड़ा हुआ है, तो मैं जब स्कूल में था तो मैंने ये चीज करी थी, साइंस में स्पेशली मैंने करी थी, तो बाकी टीचर्स जो सोशल साइंस वाले थे उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि क्या होता था कि जो कॉपी में लिखा है एज इट इज अगर छाप के आओ तो उनके लिए भी इजी होता था, हाँ। चेक करना, तो मार्क्स वही तभी मिलते थे, तभी मिलते थे, और अगर कोई बंदा खुद अपना दिमाग लगा के लिख रहा है तो उनको पसंद ही नहीं आता था, वो उसके एक्स्ट्रा नंबर काट लेते थे। बट साइंस में ऐसा हुआ कि मतलब एक दिन क्लास में मैम आई, एग्जाम हुआ था उसके बाद क्लास में मैम आई और उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, ठीक है, एकदम से आके मैं डर गया, मैंने कहा यार मैंने क्या गलत कर दिया, कुछ बुरा कर दिया क्या, वही फर्स्ट थॉट तो ये होता कि गए या तो फेल हो गए या कुछ गलती हो गई बड़ी। और मैम ने बोला कि ना सब लोग इस बच्चे के लिए जोर से तालियां बजाओ, अरे। और मेरे लिए बड़ा ही ऐसा मोमेंट था कि यार ऐसा कैसे, फिर मैम ने बोला कि इस बच्चे ने जो करा है ना वो बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत आगे जाओगे, पार्थिव बांध के रखो। अच्छा, 8th क्लास का वो इंसिडेंट है, आज तक मुझे याद है, और मैं आज तक मतलब मैम के लिए इतना शुक्रगुजार हूँ। मैं साइंस में फर्स्ट नहीं आया था उस दिन भी, उस एग्जाम में भी मैं टॉपर नहीं था उस क्लास का, पर कुछ अलग किया आपने जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो वो चीज क्या थी, ऐसा क्या गया उनमें, बिल्कुल। तो ऐसा था कि एग्जाम था और मैंने पूरा अपने मन से लिख के आया था, समझ की किताब पढ़ के, बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ के, हाँ। और बाकी जो टॉपर था, जो बाकी जितने बच्चे थे, वो जो मैम कॉपी में लिखवाते एज इट इज छाप के आ गए थे बिना समझे, तो मेरे कुछ 90 मार्क्स आए थे आई रिमेम्बर, और टॉपर के 92 या 93 थे, लेकिन तब भी मैम ने मेरे को खड़े होके जो है तालियां बजवाई थी और बोला था कि तुम आगे बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़ा कुछ तुम करोगे लाइफ में। तो वो एक पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे समझ में आ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ शायद वो सही है, और इसी तरीके से चलता रहूंगा तो शायद आगे मैं कुछ कर सकता हूँ, और मुझे इसमें मजा आता था। बेसिकली ये नहीं था कि कुछ फोर्स था मेरे ऊपर, तो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ता रहता था। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो किसी ने बोली नहीं करने को, खुद से एक्सप्लोर करते करते पढ़ी है, बिल्कुल वाली चीज। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि हाँ, मेरे फादर ने काफी मेरे को इस चीज में बोला था, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मुझे पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पापा ही कहते थे कि तू किताब पढ़ ले या तू समझ के पढ़ा कर, बेसिकली रट मत, है ना, क्योंकि वो किसी काम नहीं आएगा। तो वहां से भी एक डायरेक्शन मिला और फिर खुद की क्यूरियोसिटी दोनों मिला के जो है ना, हाँ। वो रहा। अक्सर पेरेंट्स का ही होता है कि मतलब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ना आपके साइड पे मेरे को लग रहा है नंबर लाओ का प्रेशर नहीं था, पढ़ लो का प्रेशर ज्यादा था, तो पढ़ते पढ़ते पढ़ ही लिया, हाँ। वो वाली चीज हो गई, ठीक है फिर, हाँ ठीक है। तो जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि आपके बचपन में एक घर में कैमरा आया था, तो वहां से थोड़ा इंटरेस्ट आया था कैमरे में, और शुरू में बहुत बचपन में तो इतना फैसिनेटिंग लगता था, मतलब मुझे भी कैमरा जब भी मेरे घर में भी आया था, एक छोटा सा कैनन का ही आया था, डिजिटल वाला आया था काफी बाद में, तो जब फैमिली ट्रिप पे जाते थे तो पापा थोड़े बहुत फोटो खींचते थे, तो वो चीज़ मेरे को भी आई, मैं गंदी खींचती थी पर तभी एक इंटरेस्ट आता है, तो वही चीज़ अपन आज भी कर रहे हैं। तो आप भी जैसे यूट्यूब आपका चैनल है, इतना बढ़िया 8 लाख से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े, तो मेरे को लगता है शायद वो इंटरेस्ट ही बाद में आपने परस्यू किया, तो वो पॉइंट कब आया आपकी लाइफ में कि चलो पढ़ाई तो कर ली, अब पैशन भी थोड़ा फॉलो कर ले। तो ऐसा था कि 10th तक मतलब ये अपना 8th क्लास में ये चीज हुई, और 9th 10th अच्छे से पढ़ाई करी, काफी उसमें एक्सेल किया, 11th 12th में एक्सेल किया, नीट में अच्छा रैंक लाया, जी में आया, और फिर कॉलेज में आ गए, एंड कॉलेज में आके ये था कि पढ़ाई नहीं कर ली, हाँ मतलब कॉलेज में इंसान आता कि घर वाले भी ये कहते हैं कि चलो कॉलेज चलेगा फिर तो क्या ही है, मजे होते हैं लोग कहते हैं, हाँ। तो मैंने मजे नहीं करने थे मुझे, इंदर से मुझे एक्सप्लोर करना था पढ़ाई के अलावा दुनिया को, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन मुझे था कि मुझे कहीं जॉब नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। अब यूजुअली एक पढ़ाई वाला जो बच्चा है वो आगे जाके पढ़ाई करते रहेगा तो एक जगह जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है, अल्टीमेट गोल ही अपना यही है कि पढ़ ही जॉब के लिए रहे अपन, तो वो मैं पढ़ी कभी जॉब के लिए रही नहीं था, क्योंकि पढ़ा अपने इंटरेस्ट के लिए रहा था, अब मुझे था कि किसी का जॉब नहीं करूंगा, अपना खुद का कुछ बनाना है। अच्छा, तो ये मतलब डे वन से कॉलेज जाते ही क्लियर था, क्लियर ही था कि किसी के अंदर काम नहीं करना, सीधी बात है। तो ये था, तो स्टार्टिंग में एक्सप्लोर किया बहुत कुछ, पहले तो ये था कि सीखना है एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, जो भी ऐसी स्किल्स है जो नहीं आती, तो मैं ऐसे जाके ना मतलब एनिमल एक्टिविज्म करता था कि मतलब लोगों को बताता कि पशु कुरता कितना बुरा है,
तो उसमें मैं कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर रहा था उस पॉइंट पे। तो मैं ऐसे नेहरू पार्क सुना होगा अपने तो संडे के संडे वहाँ जाता था और लोगों को लेके कॉलेज वालों को भी वहाँ पे बैठ के लोगों से बात कर रहा हूँ। फिर एक कॉलेज में जाके सेमिनार दिया था, नर्सिंग कॉलेज में जाके। अच्छा, पूरा पीपीटी वगैरह। आप लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे थे और साथ साथ थोड़ा स्किल इम्प्रूवमेंट भी हो ही रहा है पर्सनैलिटी पे। ठीक है, फिर तो इस तरीके से करता रहा और फिर कोचिंग खोलने की सोची। बहुत क्रेजी, मतलब बहुत क्रेजी था मैं कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना है, बिल्कुल दिन भर लगे रहता था 12 घंटे। कौन सा क्या काम कर सकते हैं कि क्या क्या करना है और मतलब करते ही है। ठीक है, फिर मैं सब में फेल हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मुझे आगे कुछ उसमें कुछ अच्छी ग्रोथ हो रही हो, बट ये था कि करना है। तो फिर लॉकडाउन आया। ठीक है, मतलब ये मान लो आप कि मैं अपनी कोचिंग खोलने की सोची थी, मैंने खुद का और दो बंदे मेरे क्लास के उठाए कि हम तीनों मिलकर कोचिंग खोलेंगे। ठीक है, उस कोचिंग का नाम रखा जीत। अच्छा। भैया जेई और नीट को मिला के जीत। ठीक है, और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और एक बायो पढ़ा रहा है, एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। उसका पूरा बैनर बनवा दिया मेरे घर के ऊपर, 500 रुपए का वो बनवाया। और ये मान लो मैंने पोल्स पे जो है ना वो बोर्ड्स होते हैं वो बनवाए, मतलब एक तरह मार्केटिंग अपना ऑफलाइन। 10,000 रुपए लिए थे पापा से कि ना मेरे को कुछ करना है। नीचे का जो मेरा बेसमेंट एरिया था उसको पूरा बनवाया, उसमें बोर्ड वगैरह लगवाया, सीट्स ऑलरेडी थे तो थोड़ा वो सब था, ये कर किया सब किया। ठीक है, फिर एक बच्चा आया। अच्छा, एक बच्चा आया वो किससे, वो रेफरल से मेरे सीनियर के, मार्केटिंग से कुछ नहीं आया। अच्छा, ठीक है। इसमें ये भी था, पैम्फलेट बांटने गया था, मतलब मैं पैम्फलेट छपवाए मैंने, और मैं सुबह 4 बजे गया बाड़े पर। बाड़े पर क्या होता है कि आप ऐसे ना अखबार के अंदर पैम्फलेट डलवा सकते हो, क्योंकि अखबार में ऐड देना तो बहुत महंगा है, तो आप पैम्फलेट डलवा सकते हो, तो कुछ कॉस्ट लेते हैं और सुबह 4 बजे वो सिस्टम चलता है वहाँ पे। तो वो भी किया मैंने, सब किया जो मतलब हर जगह हाथ मारे हैं। और उसके बाद कोई बच्चा नहीं आया उस सबसे, लेकिन एक बच्चा रेफरल से आया, वो अपने एक और दोस्त को ले आई। ठीक है, इतना हुआ, क्लास चालू हुई, दूसरी क्लास हुई, उसके बाद लॉकडाउन आ जाता है और सब बंद। ये 2020 की बात है। ठीक है, अब उस टाइम पे ये था कि मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि 21 दिन का लॉकडाउन। 21 दिन का, तो हमें सुनाई थी कि 21 दिन कॉलेज नहीं जाना। हाँ, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट था कि 21 दिन कॉलेज का प्रेशर नहीं है। हाँ, अब आपको लाइफ में जो करना कर सकते हो, 24 घंटे आपके हैं। और आपका तो ये प्लान होगा कि अभी 21 दिन है, कोचिंग पे ही अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैंने फिर सोचा कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि यूट्यूब चैनल कभी खोलेंगे टाइम मिलने पर। अब 21 दिन आए और फिर ये था कि चलो अब यूट्यूब पे काम करते हैं, जो पढ़ा रहे थे वही अपन यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। सही बात। तो हमने ऐसे ही करके यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना चालू किया। फिजिक्स मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने मतलब ऊपर से बचपन में भी आपने अगर ट्राई करा, जैसे लाइट वाला सब्जेक्ट जैसे था, तो उसमें एक्सप्लोर करा, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच घुस गई थी अंदर, तो वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में डायरेक्ट होती है, अपन देखते हैं। तो लॉकडाउन हुआ, ठीक है, 21 दिन का, मैंने सोचा कि अब मैं जो कोचिंग पे मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था उनको उसी क्लास में वहीं पे अब कैमरे के सामने पढ़ा देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूँ। तो आई स्टार्टेड मैं फिजिक्स की फर्स्ट क्लास, और मुझे याद है वो सेटअप मैंने कैसे किया था कि मेरे पास स्टैंड नहीं था और लॉकडाउन लग चुका था, तो मैं अपने कवाड़ के एरिया में गया घर के, और वहाँ पर सबसे क्रिएटिव चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो वहाँ गया, 2 टीन के डिब्बे उठाए जो तेल के होते हैं, एक मुझे ऐसे कार्डबोर्ड से मिल गया जिसमें मैं मोबाइल सेट कर सकता हूँ, वो 15,000 का मोबाइल था सैमसंग का, वही मेरे को सेट करना था। एक माइक मेरे पास पड़ा था बोया का 1,000 रुपये का, वो मैंने पहले एक बार यूट्यूब चैनल चालू किया था। अच्छा, 6 महीने पहले जब मैंने 4-5 वीडियो बना के छोड़ दिया था, वो फिर से लेके आया और पहले वीडियो बनानी चालू करी, चॉक बोर्ड और ये पूरा सेटअप है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी फिजिक्स की जो मैं 11th 12th में पढ़ा था, जो यूजुअली भी पढ़ाया जाता हो, कुछ ऐसी ट्रिक्स थी बेसिकली, जैसे लॉजिक गेट्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक पे मैंने वीडियो बनाई डाली, और ठीक है जो ट्रैक्शन सिंपली आता है, ठीक है 100-200 लोग ने देखी, जो मेरे जूनियर्स आकाश में फॉलो कर रहे थे मेरे को, उन्होंने देखी कि थोड़ा बहुत बोला कि हाँ भैया अच्छी है, मतलब सही बना रहे हो, और इस तरीके से वो चला। फिर मैंने ऐसे और भी वीडियो बनाने चालू करे और इस तरीके से मेरा चलता रहा। उस टाइम में कुछ कैमरा कुछ भी नहीं था, बस अपना एक मोबाइल था, ठीक है सिंपल था, और इस तरीके से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने वीडियोस बनाई कंसिस्टेंटली, और सही बताऊं तो मतलब मजाक भी उड़ता था, ठीक है कि ये क्या कर रहा है, बहुत उड़ता है वो तो होता है, मतलब कुछ भी अलग करो तो उस पर बात करते हैं, क्योंकि ना कैमरा क्वालिटी अच्छी है, सेटअप भी ऐसे ही है, शक्ल भी ऐसे ही है, ठीक है और बना रहे, तो ये था कि
और कुछ भी बना रहे हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं है कि यूट्यूब पे कैसे काम करना है, थंबनेल भी खुद ही बना रहे हैं कैसे, तो भी चला रहे हैं मतलब खुद से जितना कर सकते हैं अपन हर चीज कर रहे हैं, मतलब टीचिंग भी, फिर शूटिंग भी, एडिटिंग, हर चीज अपने एंड पे, ठीक है बिल्कुल। बट ये मेरे दिमाग में था कि मुझे यहाँ पे अभी पैसे अर्न नहीं करने ना, मुझे फेम अर्न करना, अभी मुझे स्किल्स अर्न करनी, इसलिए बना रहा हूँ। स्किल्स क्या, कि मुझे थंबनेल बनाना आ रहा है, मुझे वीडियो एडिटिंग आ रही है, मुझे वीडियो शूट करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं कैमरे के सामने बोलने में कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे याद है पहला वीडियो जब बनाया था तब कैमरे के सामने अजीब लग रहा था कि भाई बोल रहे हैं, कोई है नहीं, अकेले बोल रहे हैं, तो अजीब लग रहा था। बट ठीक है, अब वो चीज़ निकल चुकी है, अब कैमरे के सामने ज़्यादा मजा आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल तो देखो अच्छी हो रही है कि बात तो कर ही रहे हैं। उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो बात करने में अच्छे पर ऑन कैमरा जो शाय हो जाते हैं, मतलब कैमरा शाय बहुत बड़ा इशू, एक फियर है अपना, तो वो चीज़ से ओवरकम भी साथ साथ हुई बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आपको ना मीडिया एजेंट मीडिया वाली फील्ड में आना है तो एक यूट्यूब चैनल खोलना तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब से आपको ये सब चीज़ों की बेसिक चीज़ें आ जाती है कि शूटिंग बोलना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, जो एक बहुत बेसिक सॉफ्ट स्किल्स है जो तो आपको आनी ही चाहिए। बल्कि और ये आजकल बच्चे भी कर पा रहे, तो ये सबको आना एक नेसेसिटी थोड़ा सा हो गया है। बिल्कुल, तो वहाँ पर ये चीज़ चलती रही। और कुछ कुछ जो मैं बता रहा था कि ट्रिक्स थे जो मेरे यूनिक थे, तो वो मैं वहाँ पे बताता था, साथ साथ में कुछ कुछ पढ़ाता भी था, फिर बीच में MBBS का भी पढ़ाना चालू किया, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ ट्राई करता था। तो मतलब आप आए गए 3-4 महीने बढ़िया कंटेंट बना रहे थे, तो तब भी जो आपका पहला जो वायरल वीडियो कहते हैं वो कब आई, मतलब कौन सी थी वो? तो इसकी भी बहुत अच्छी कहानी है, और ये ऐसी कहानी मैं आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल मेरे लिंक्ड है जो आज मैं कर रहा हूँ उससे। एक आइडिया था मेरा बायोलॉजी को रटने का, ये तेज, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सफर करता था जो मेमोराइजेशन वाले सब्जेक्ट है, स्पेशली बायो, क्योंकि बचपन से ही अपन ने पढ़ा है, समझा है, सोचा है, समझा है, हाँ, ना कि रटा है इंफॉर्मेशन को। तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, मुझे इवन ये याद है कि आकाश के टाइम पे 11th की जब स्टार्टिंग थी तो मैं घर पे रोता हुआ जाता था कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया है, मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ, PCB में मुझे PCM लेना है, इतनी बुरी हालत थी। ओवर द इयर्स मैंने मतलब 11th में 12th में जाके फिर थोड़ा सा समझा कि बायो को कैसे कर सकता हूँ मैं, एक तरीके से अपनी खुद की टेक्निक बनाई कि पढ़ना कैसे है बायो जैसा सब्जेक्ट जो है, जो लोग मतलब परेशान भी होते हैं जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्टेड, उनके लिए बायो ऐसा सब्जेक्ट हुआ कि बायो कैसे पढ़ूं, वो वाली बात। बिल्कुल, और वही मेरा सीन था, कहीं ना कहीं बायो मुझे कम अच्छा लगता था, मतलब पर्सनली बायो का जो लॉजिकल पार्ट है वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रटने वाला पार्ट काफ़ी है स्पेशली नीट के सिलेबस में। तो ये रहा 11th में, और 12th में आते आते समझ में आ रहा था धीरे धीरे, एक ट्रिक मैंने बनाई 12th में आके जो कि बनी थी थ्रू माई टीचर। तो मेरे टीचर भी बोलते थे कि तुम ना बुक से क्वेश्चंस बनाओ असर्शन रीजन, क्योंकि उस टाइम पे एम्स का पेपर होता था जिसमें असर्शन रीजन बताते थे। तो सर ने बोला कि इसे बुक से ना असर्शन रीजन बनाओ, और मैंने बना के उनको दिए और ऐसे आंसर भी बनाया, तो ऐसे चलता रहा। फिर मुझे लगा कि यार मैं असर्शन रीजन बना रहा हूँ, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, क्यों ना इसको शॉर्ट कर दूँ, क्यों ना इसको वन वर्ड कर दूँ, ट्रू फॉल्स कर दूँ, फिल इन द ब्लैंक कर दूँ, तो और शॉर्ट में अपने हिसाब से फटाफट फटाफट, मतलब वैरायटी भी हो गई और कंसेप्ट याद रह जाएगा इस चीज़ से। तो मैंने वो चीज़ करी, वो चीज़ एकदम ठीक हुई मेरे लिए। तो बनाने में भले ही मुझे 2-3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन बाद में जब उसमें रिवाइज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे वो बोरिंग NCERT पूरी नहीं पढ़नी पड़ रही, मैं उसी से उन क्वेश्चन से 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, और जो मुझे नहीं आता उसको बार बार रिवाइज जल्दी कर पा रहा हूँ। और कट टू कट क्वेश्चन है, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन आंसर ही आने वाले, तो पैराग्राफ से आप पढ़ के भी इतना नहीं कर पाओगे शायद। और नीट अल्टीमेटली आजकल आप एक तरीके से बोलने को MCQ पूछ रहा है, बट एक्चुअली वो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है, वन वर्ड पूछ रहा है, क्योंकि वो पूछता है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, ठीक है, फिर वो एक्चुअली ट्रू फॉल्स ही है कि करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है बेसिकली। तो ये किया मैंने, और अब मुझे ट्रिक बतानी थी अपनी, ठीक है। अब वो जो बोली ट्रिक था उसका मैंने कुछ नाम अभी तक रखा नहीं था। अच्छा, अब वो वीडियो मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा कि क्या नाम रखूँ, एकदम से आई डोंट नो कहाँ से आया, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट नेमिंग थिंग्स, ठीक है। कहाँ से आया, मैंने सोचा बायो हैक रख देता हूँ। और मतलब सही भी, बायो वाला बच्चा समझ पा रहा है इस नाम से भी कि कुछ तो हैक बता रहे बायो से रिलेटेड, तो सिंपल सा नाम था बायो हैक, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो कि बायो को हैक करके आपको जल्दी से जल्दी बायो का काम करा देती है, शॉर्टकट अपना। तो मैंने वो चीज़ बनाई और उसमें पूरा समझाया उस वीडियो में कि कैसे मैंने वो बायो हैक बनाई थी अपने टाइम पर, क्यों होती इफेक्टिव है, एंड वो वीडियो वायरल हो गई। वो मेरी पहली वायरल वीडियो थी, और मेरे लिए बड़ी बड़ी बात थी कि मेरी जो ट्रिक थी वो इतनी अच्छी लोगों को पसंद आ रही थी, ठीक है, एंड इस तरीके से वो पहली वायरल वीडियो मेरी बनी।
फिर जैसे अभी आपकी जो बुक है मैंने देखा उसका भी नाम बायो हैक ही है, तो वो वीडियो से एक कंसेप्ट से एक बिजनेस प्रोडक्ट में वो चीज़ जो आपने करी, तो ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब आइडिया आपने ट्रिक बता दी, अब उसको ऐसा प्रोडक्ट देना। तो वो वीडियो से ही कहानी स्टार्ट हुई। मैंने जब वो वीडियो बनाई तो काफ़ी सारे बच्चे पूछते थे भैया आप ही हमें दे दो बना के, आप बता रहे हो ऐसे ऐसे बनाना है, तो हम तो नहीं बना पा रहे क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि उस चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है कि आप उसमें से एक एक क्वेश्चन छाट रहे हो बना रहे हो, एक एक पेज पे 2-3 घंटा लग जाए बच्चे का। ठीक है, तो ये था। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मैंने बनाई थी तो मैं वो अपने कोचिंग में दे चुका था। अच्छा। अपने नीट के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों को हेल्प मिलेंगे, सर को दे दिया, अपन को क्या बता दिया, यूट्यूब वगैरह करेंगे अपन। ठीक है, तो फिर जब मैं कोचिंग में वापस लेने गया तो सर ने कहा कि वो गई। अच्छा। वो किसी बच्चे के पास गई, कहीं गायब हो चुकी है। तो अब मेरे दिमाग में एक कहीं ना कहीं था पीछे कि कभी टाइम मिलेगा तो इसको फिर से बनाऊंगा और खुद की हाथ की बच्चों को बना के दूंगा। बीच में मैं क्या करता था कि बच्चे जो मुझे देते थे उनकी सिलेक्ट करके जो अच्छी लगती थी वो अपने टेलीग्राम पर डाल देता था, तो ऐसे चलता था। लेकिन दिमाग में था, फर्स्ट लॉकडाउन में आई मेड माई यूट्यूब चैनल पूरा, उसका मतलब वायरलिटी पे जाके एक स्टेबिलिटी अचीव करी। सेकेंड लॉकडाउन आया, फिर टाइम मिल गया। तब जो दिमाग में पीछे था कि बुक बनानी है, वो क्लिक किया, वो करा। मुझे याद है कि लॉकडाउन हुआ था उसी के कुछ देर पहले मेरा एग्जाम खत्म हुए थे, और फिर एग्जाम खत्म हुआ और सेकंड लॉकडाउन चालू हुआ, और ऐसा लगा था बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत असाइनमेंट वाला पढ़ना भी नहीं, दूर दूर तक नहीं था। और ऐसा भी लगा था कि लॉकडाउन बस खत्म मेरे एग्जाम के लिए हुआ था, मान लो कि एग्जाम बस आए हैं उसके बाद तुरंत लॉकडाउन। एंड ये दिमाग में था कि अब बुक बनानी है कहीं ना कहीं, और मैंने स्टार्ट करा। अब एक बुक लिखना बहुत बड़ी बात होती है ना, कि मतलब आदमी सोच रहा है कि बुक बनानी है, सेकेंड ईयर का बच्चा जब 19 साल का हूँ मैं, तो बट आई थॉट कि यार चलो करके देखते हैं जो भी होगा। ज़्यादा ज़्यादा फील होंगे पर ट्रिक अच्छी है, बच्चे मांग रहे तो डिमांड है उस चीज़ की। बिल्कुल, और दिमाग में ये भी नहीं था कि बेचना है या कुछ कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये था कि कुछ छाप छोड़ के जानी है खुद की, कि ये ट्रिक अपनी है, लाखों बच्चे इससे पढ़ेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस था कि नाम होगा कि पार्थ गोयल की एक बायोहैक आती है, वो उसने तो तहलका मचा रखा मार्केट में, बस ये सोच के बनाया था। तो जब आपने नीट दिया था तब आपकी 223 रैंक थी, तो उस हिसाब से तो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होंगे, पर तब भी आपने ग्वालियर ही चुना कि मैं जीआरएमसी में ही रहूँगा, ग्वालियर में ही रहूँगा, तो वो ग्वालियर के लिए एक अलग सा प्यार था क्या, कि बचपन से अपन रहे तो यही रहना है, या कुछ और रीज़न था? बिल्कुल, तो इसको मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि स्टीव जॉब्स का एक स्पीच है जिसमें उन्होंने बोला है कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स इन द पास्ट, यू कैन ओनली कनेक्ट देम इन फ्यूचर। उनके लाइफ में कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस थे कि वो पहले एक्सप्लेन नहीं करे जा सकते, वो केवल फ्यूचर में ही एक्सप्लेन करे जा सकते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ ये भी है कि जब मैंने ग्वालियर लिया था तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों फैक्टर थे, पेरेंट्स का भी था और मेरा फ्यूचर का, दोनों बात थी। हर किसी के लाइफ में आता है पॉइंट कि ना आप घर छोड़ के जाना या नहीं जाना है, कि भाई अपने ग्वालियर ऐसे एक छोटे शहर में तो ये बहुत ज्यादा है, मतलब भागने का ही मन करता है सबका कि बचपन में कि ऐसा 12th से निकले चलो कॉलेज ले लेते बाहर, मजे करेंगे, थोड़ी अलग लाइफ होगी कम से कम। बिल्कुल, तो ये रहता है कि या तो करियर चूज करना है कि भाई लाइफ में बहुत एक्सेल करना है तो बाहर जाओ, मुंबई दिल्ली जाना है, या फिर घर वालों की भी चिंता है या उनके साथ भी रहना चाहते हो, तो फिर ग्वालियर रह लो या अपने होम टाउन में रह लो। अब मैंने सेकंड चूज किया, उस टाइम पे बहुत लोग पूछ रहे थे क्यों किया भाई, इतना अच्छा रहेंगे पागल तू तो, बट मुझे लगा कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी शांत रहता हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ करके दिखाता हूँ। और आज मुझे लगता है कि अगर वो डिसीजन मेरा नहीं होता तो आज ना आप यहाँ बैठे होते ना मैं यहाँ बैठा होता। सही बात, क्योंकि शायद मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता, शायद जो भी मैं कर रहा हूँ नहीं होता, मैं एक सिंपल सा MBBS स्टूडेंट होता। तो ये एक फ़र्क हो जाता है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब मैं ग्वालियर में रहा तो मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में थोड़ा सा हम स्टेबल नहीं होते मेंटली, और मेरे साथ भी था स्टार्टिंग्स में, तो घर वालों ने सपोर्ट किया। एक ये रहता है कि मैनेजमेंट नहीं करना घर वर का, तो अपने को टाइम मिल जाता है, मतलब एक ही जनरल सा नोशन है अपना कि करियर या फैमिली एक ही चीज चूज करनी है, करियर में ग्रो करना है फैमिली से दूर जाना पड़ता है, ये वाला जो है तो इसको तो आपने पूरा स्टीरियोटाइप ब्रेक ही कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मतलब देखो लाइफ के स्टार्टिंग पार्ट्स में मुझे लगता है कि आप कोई कमरे में बैठ के मेहनत ही करनी है, बस दैट्स इट। हां, चाहे वो कमरा दिल्ली में हो या ग्वालियर, सही है,
सीधी बात है। तो 20 साल तक 25 साल तक मुझे लगता है कि वो तो करना ही है, तो फिर तुम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, एक्सपोजर का फर्क पड़ता है। हाँ कभी कभी चल जाओ दिल्ली को जे एक्सपोजर लेने, लोगों से बातचीत करने, वो कर सकते हो। एंड एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं मुस्लिम ग्वालियर के हैं, तो यार मतलब हम ही ग्वालियर को बनाना है, ठीक है, तुम और मैं ही हो जो ग्वालियर को बनाएंगे, हमें को यहाँ पे बिजनेस खड़े करने सब कुछ करना है। तो कई सारे लोग हैं जो ग्वालियर से बाहर भागते हैं, जो मेरे को भी हायरिंग में कई बार डिफिकल्टी आती है कि अच्छा टैलेंट जाना है तो फिर दिल्ली जाओ, दिल्ली में वीडियो एडिटर्स मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सही बात है। पर है ग्वालियर में भी टैलेंट है जो कि अगर सही तरीके से काम करे, चीजें करे, तो हम ग्वालियर को भी बहुत अच्छा हब बना सकते हैं। हाँ मतलब अपन ये चीज पे बात करते हैं कि अरे ग्वालियर में एक्सपोजर नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो अपन जैसे लोग ही तो क्रिएट करेंगे वो वाली चीज, क्योंकि अपन ही फ्यूचर है जबकि ग्वालियर का, तो वो वाली बात आ जाती है। तो मेरे यहाँ भी एक एडिटर आता है, ठीक है, वो भी ऐसी कॉलेज स्टूडेंट है, अच्छी एडिटिंग करता है, वो भी सोचता है अभी बाहर जाऊँ। मैंने कहा अभी मेरे साथ काम करके देखिए बाद में, ठीक है। तो ऐसा है, तो आपको बेसिकली ना पहले तो खुद मेहनत करना है, और फिर जो मेहनती लोग हैं उनसे कनेक्ट होना है, बिलीव मी हो जाएगा तुम्हारे को। जरूरत नहीं है ग्वालियर से बाहर जाना पड़े, स्पेशली इनिशियल ईयर्स में, आई वुड से कि पहले खुद अपना बिल्ड करो, फिर सोच सकते हो बाद में। जैसा भी मतलब जो बच्चे लाइक पेपर वगैरह देके भी प्लान करते हैं ना बाहर जाना है, तो अगर वो अपने होम टाउन में रह जाते हैं कोई डिसेंट कॉलेज के साथ या अच्छी कॉलेज में, तो उनको उसको ऐसा फेलियर नहीं देखना चाहिए कि मतलब ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है दूसरी चीज़ें करने का, वो वाली चीज़ें। तो आपकी जितनी स्टोरी है तो उससे हमें ये तो समझ आ गया कि आप अच्छा पढ़ने में बहुत अच्छे हो, और नीट जो अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो यही देखता है, नीट हो गया, जेई हो गया, कि आप पढ़ने में कैसे हो। तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो नीट क्वालिफाई कर जाएगा, पर क्या वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है? क्योंकि अपन को डॉक्टर बन के प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और बस पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो नहीं आने वाली। देखो बहुत अच्छा सवाल है, और मैं तो मानता हूँ कि नीट तो कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे डॉक्टर का कुछ लेना देना भी है। अच्छा। जो नीट का करिकुलम है जिसमें वो पूछा जाता है, मुझे आता समझ में नहीं आया फिजिक्स क्यों पूछी जा रही नीट, केमिस्ट्री भी कुछ काफ़ी हद तक किसी काम की नहीं है नीट में जो आ रही है, बायोलॉजी में भी जो प्लांट का पार्ट है वो नहीं किसी काम का। सही बात तो यही है कि वो एज अ डॉक्टर आपके कभी कोई काम ही नहीं आएगा, मतलब आप एक ऐसी पढ़ाई कर रहे हो 2 साल लग के जो आपके किसी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं खुद एक टॉपर होके ये बात बोल रहा हूँ कि ये बहुत गलत है। अगर आपको डॉक्टर की मतलब सिलेक्शन लेना है तो उन लोगों को सिलेक्ट करो जो एक्चुअली डॉक्टर की नॉलेज रखते हैं, मतलब एक्चुअली उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे मैं था, मैं फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है, बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो भी टॉपर बन गया। मुझे नहीं बनना चाहिए था कायदे से, आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू बी सिलेक्टेड एज अ डॉक्टर। मतलब जो अनलेस बायो में इंटरेस्टेड और पूरा फुल मेहनत बायो की, वो ज्यादा मतलब डिजर्विंग है, ना कि एक फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा, ठीक है। तो मैं बात साफ साफ मानता हूँ, और नीट के बाद जब आप एमबीबीएस में आते हो तो वो पूरा करिकुलम डिफरेंट है, उसका नीट से कहीं तक लेना देना नहीं है। इसके बाद जब आप एमबीबीएस में आते हो तो एमबीबीएस एक बहुत डिफरेंट करिकुलम है, 4.5 साल आपको पढ़ना है, और बहुत डिफरेंट है जो नीट में पढ़ाया जाता है। क्योंकि नीट का केवल ये मान लो 4-5 चैप्टर हैं जो काम आते हैं मुश्किल से पूरे 5 साल की, उसके बाद वो है ना, तो ऐसा सिस्टम है। और एमबीबीएस में भी अब आप जो पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं आप पढ़ने वाला बच्चा अच्छा डॉक्टर बन जाए, क्योंकि अब आपको पेशेंट डीलिंग स्किल्स सीखनी, पेशेंट से अच्छे से बात करो, मतलब हॉस्पिटल में सबसे बुरी तरीके से बात हो सकती है तो हॉस्पिटल में होती है, सरकारी अस्पताल में जब आप देखने जाओगे तो मैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करके देखता हूँ कि भाई पेशेंट से चिल्ला रहे हैं, पेशेंट भी भीड़ भक्कड़ में आ रहे हैं, वो सब चीजें चल रही हैं, क्योंकि तो वो वाली चीज है ना कि फ्री में और एहसान कर रहे हैं हम आपको ट्रीट करके, ना कि आप हमारे पास आए हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाला फैक्टर थोड़ा कम है अपना। प्राइवेट में तो है क्योंकि उनको देखो वो चीज दिखानी है, गुड वर्ड्स वाली चीज है। बिल्कुल, तो देखो मतलब डॉक्टर तो बन ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं जो बिल्कुल हाई टॉप लेवल पे कि प्राइवेट कॉलेज में बेटर है एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट से, ठीक है, मतलब ये बोला जाता है क्योंकि फीस की वजह से लोग नहीं जाते प्राइवेट, नहीं तो प्राइवेट में शायद बेटर है, ठीक है। पर उसका मतलब रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि प्राइवेट आर मोर रेगुलेटेड ना, गवर्नमेंट में क्या है, किसी को क्या पढ़िए, बच्चों को क्या करना है, सबको अपनी तनख्वाह से मतलब। हाँ, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता भी है कि क्लासेस भी नहीं लग रही है आधे टाइम, तो अच्छे से नहीं लग रही, जो टाइम पे नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्या करना है किसी को, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में तो उसकी पूरी वो है कि भाई प्रेशर है कि काम करना है, प्रेस्टीज है कि अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, और सही बात है, क्लासेस भी रेगुलर है, अटेंडेंस भी प्रॉपर, सब कुछ है। और अपन जैसे अमिटी देख ले कितनी नेगेटिव है, पर बच्चे जा रहे हैं रोज रेगुलर, हम कोई नहीं जाते रोज कॉलेज तक भी, तो ये चीज तो होती है। बट यही है कि अब देखो गवर्नमेंट में एक्सपोजर ज्यादा होता है, हॉस्पिटल में काम अच्छा होता है, और
धीरे धीरे आप सीख तो जाते ही हो जो काम करना है, बट हाँ जो आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या पढ़ाई से उसका लेने देना है, तो आई वुड से कि 50% है, 50%, लेकिन आपकी स्किल्स कैसे आप पेशेंट से बात करो, क्या चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो टॉपर है वो उतना अच्छा डॉक्टर ना हो, बल्कि कोई एवरेज बच्चा जिसने क्लियर कर लिया पेपर वो बन जाए। एंड इवन ये भी होता है ना कि जो पढ़ाई है वो तो आपके काम जरूरी नहीं आए, मतलब पूरी की पूरी आए। जैसे आप जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो हमने जितनी सारी बीमारियां पड़ी हुई हैं उनमें से केवल 10% बीमारियां ही देखने को मिलती रेगुलरली, बाकी देखने को मिलती नहीं है। तो वो 90% पढ़ाई तो वैसे काम ही नहीं आती है रेगुलरली, मैं बोलूँ वो बहुत यूनिक केस, बहुत रेयरली केस में आती है। तो वो भी जब आप अगर आप PHC या CHC में काम कर रहे हो, मतलब छोटे हॉस्पिटल में कर रहे हो, तो आप उसको रेफर कर देते हो आगे की एम्स में या टर्शरी में। तो मतलब अल्टीमेटली यही सब काम है, और इस वजह से हेल्थ केयर में सिस्टम भी है कि क्वैक्स काम कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो ठीक कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि पढ़ाई का उतना इफेक्ट नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ें जो पढ़ाई नहीं जा रही वो चीज़ें हैं। तो जब आप MBBS करोगे तो आप लोग का शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में आपको बॉडीज पूरा खुली खुली सी दिखा देते हैं कि मतलब ये लंग्स होता है, ये हार्ट ऐसा दिखता है, डेड बॉडीज से भी डील करते हो, तो जो पहला एक्सपीरियंस है वो एज अ टीनेजर तो बहुत हॉरिफिक होता होगा, पर उसके बाद जब आज मैं देखती हूँ कि आप लोग स्टोरियों पर डाल रहे हैं कि किसी को पेट का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर स्नैपें चल रही हैं, तो ये चीज़ जो है मतलब ये कहाँ से आ रही है और ये क्यों आ रही है? बिल्कुल, तो देखो ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो फर्स्ट ईयर में वही होता है कैडेवर होता है, जो डेड बॉडीज होती है उनका डाइसेक्शन करना होता है, एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। तो जब पहला बार मैंने देखी तो डर लगा था कि भाई मतलब ये क्या है, ठीक है, क्योंकि पहली बार तो डेड बॉडी भी नहीं देखी होती कई बार आपने, हाँ, है ना, अब आप पहली बार डेड बॉडी देख रहे हो, फिर ऊपर से वो काफ़ी ना पेट्रीफाइड होती है, मतलब उसमें काफ़ी क्योंकि वो स्टोर करके रखी हुई होती है, तो वो एक्चुअल जैसी डेड बॉडी भरा हुआ इंसान होता है वैसा भी नहीं दिखता, वो उससे भी खतरनाक दिखता है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा प्रिजर्व्ड सा प्रिजर्व्ड होता है, तो वो उसमें क्या है पूरा चिपका चिपका होता है, बिल्कुल बॉडी की ना स्किन चिपकी होती है, बहुत डरावना सा होता है, ठीक है, बहुत डरावना। तो पहली बार देख के तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास थी तो हम लोग देख के बस भाग रहे थे, और इवन एनाटॉमी में ऐसा होता है कि ना लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, उल्टियां उल्टियां करते हैं, ये सब सुना है, तो ये होता है फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब आप फिर धीरे धीरे पूरा फैमिलियर होते हो, फिर आप ऑपरेशन देखते हो, फर्स्ट टाइम पे मेरे को भी याद है, अब मैंने सिजेरियन सेक्शन देखा था, तो ऑपरेशन होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो मुझे ना मतलब मैं बाहर आ गया था आधे ऑपरेशन में, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि मैं बाहर आ गया था आधे में, कि सांस भी नहीं आ रही थी, ऊपर से क्या मास्क लगा के ऐसा लगता है, तो बहुत दिक्कत थी। लेकिन अब वो डेली का एक वो हो गया है कि आदत सी हो गई है, एंड ऐसे में फिर हम लोग का क्या है कि शो ऑफ तो करने होता है मेडिकल वालों, हाँ, कि हम OT में हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ, तो फिर लोग डाल देते हैं स्नैप, बट हाँ स्टार्टिंग में अजीब लगता है, बट धीरे धीरे अब क्या है, हमारा काम ही यही है लोगों का खून निकालना। अब पहले में जब मैं खून निकालता था तो फर्स्ट टाइम जब करा था तो वही ऐसे हाथ कप रहे थे निकाल रहे, अब क्या है कि हाँ हाथ निकालो, हाथ फटाफट निकाल के डाल दो, पहली बार में तो ये डर है मरमर तो नहीं जाएगा। पूछ सकते ना कि कोई ऐसी कहानी है आपके पास, कोई ऐसी कहानी है आपके पास पोस्टमार्टम से रिलेटेड, मतलब जो नॉर्मल जनता को थोड़ा फैसिनेटिंग लग सकता है, देखो कुछ चीजें जो लग जाती है, तो बता देता हूँ। तो जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो FMT सब्जेक्ट होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो उसको सुन के डॉक्टर सालुके की याद सबको आती है, CID अपना CID वाले, और वो डिपार्टमेंट भी वैसा है, मतलब वहाँ पे पुलिस वाले बैठे रहते हैं, ठीक है, और पूरा कोर्ट कचहरी, पुलिस वाला, डॉक्टर, ऐसी जगह है वो। तो वहाँ पर FMT में हमें ले गए थे एक बार पोस्टमार्टम दिखाने, तो ये मान लो कि हम यहाँ पे 40 बच्चे खड़े हुए हैं लाइन ऐसे घोल घेर के एक डेड बॉडी के सामने, एक फ्रेश डेड बॉडी, ठीक है, जो अभी अभी जिसकी डेड आत्मा निकले तो डर ही जाए। और वो भी दो डेड बॉडी थी, एक मेल की एक फीमेल की, अच्छा, दोनों का पोस्टमार्टम होना था हमारे सामने, दोनों को यहाँ से लेके नीचे तक का काट के उसके अंदर का स्टमक का कंटेंट बाहर निकालना, और कुछ अगर कंटेंट निकालना है वो निकाल के वापस से सिल के और फिर पेशेंट को दे देते हैं। तो ये निकालते क्यों है, मतलब टेस्ट तो करना इसका, हाँ, कि भाई अगर कोई जहर खा के मरा है तो कौन सा जहर खा के मरा है, कोई कैसे मरा है तो क्यों मरा है, वो सब चीज, मान लो ब्रेन इंजरी है तो अगर कुछ तो वापस डालते हैं पार्ट से ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है मतलब कि क्या चीज किस चीज के लिए ले रहे हैं।
अगर कोई गिर के मरा है तो अगर ब्रेन का कुछ पार्ट चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको वापस से सिर के अंदर कर देते हैं, पटक भी देते होंगे मतलब आई डोंट थिंक अच्छे से रखते होंगे। हाँ बट वो मतलब वापस स्टिचिंग करके होता है। और मुझे याद है उस दिन बहुत हालत खराब थी सब बच्चों की जो देख रहे थे कि मतलब काफी लोग एक दो बेहोश हुए थे, ठीक है, काफी लोग तो मुंह पे ऐसे नाक बंद करके बैठे हुए थे और डर रहे थे, बट ये था मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी होता है और डरावना भी होता है। तो ये पहले से पता होता होगा ना एक क्लास पहले की होने वाला या सरप्राइज? अब जैसे पोस्टमार्टम मुझे नहीं पता था कि क्या होता है जब मैं अच्छा, उस दिन गया था, ठीक है, मैं उस पोस्टमार्टम होता हुआ चलो घूम के आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वहां पे जाके पता चला कि ये होता है तो फट गई कि क्यों आ गया। तो आपका मतलब इतने सब एक्सपीरियंसेस हैं तो मेरे को लग रहा है कि इससे डॉक्टर वाली जो चीज़ है कि आगे अब यही करते वो तो स्ट्रांग हो गई होगी, तो मतलब आपको आगे मतलब पीजी करना है डॉक्टर वाली लाइन में ही बढ़ोगे आप, या अपना जो बिजनेस कर रहे हो अपना एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यू करोगे, या फिर जो ये पार्ट भैया वाली इमेज है तो ये भैया बन के थोड़ा समय काटने, क्या मूड किस चीज़ का है? तो मतलब ऐसा है कि अगेन जो स्टीव जॉब्स का स्पीच है कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स इन द पास्ट, यू कैन ओनली कनेक्ट देम इन फ्यूचर। तो अभी मैं एक ऐसे स्टेट पे हूँ कि मैं अभी कुछ बता नहीं सकता कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मुझे पता है कि अच्छा कुछ करके निकलूंगा यहाँ से, और कहीं ना कहीं जो मेरा इंटरेस्ट है वो तो यही है सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें। डॉक्टर वाला लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आई एम स्टेपिंग बैक, क्योंकि मेंटली भी उस हिसाब से अलग प्रिपेयर होना पड़ता है क्योंकि चीज़ें कैसे डील करनी है रोज, क्योंकि आई हैव सीन माय सीनियर्स उनकी 24-24 घंटे की ड्यूटी है, 28-28 घंटे मतलब 48 आवर्स की ड्यूटी, दो दिन लगातार काम कर रहे हैं, बीच में जब टाइम मिल रहा है तब सो रहे हैं, नहीं तो पेशेंट आ रहा है तो जगना पड़ रहा है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे जीरो है अपना। खाने का भी समय नहीं है, खाने भी मतलब जब फ्री होने तभी खा रहे हैं, 4 बजे खा रहे हैं 5 बजे खा रहे हैं, तो ऐसा मतलब होता है। थोड़ा सा आई एम स्टेपिंग बैक कि यार मतलब ये आई एम नॉट थिंकिंग की करना है, बट लेट्स सी, मतलब मुझे ऐसा है कि एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस भी करूँगा अपना 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 टाइम निकाल के, मतलब कुछ कुछ टाइम दूंगा दिन का, लेकिन पूरे टाइम ये नहीं 28 घंटे 24 घंटे ये नहीं, ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें करूँगा। जैसे आप कह रहे हो कि आपके सीनियर्स कई बार खाना वाना भी नहीं टाइम पे खा पाते, तो हम ऐसे ही जब आपको रिसर्च कर रहे थे तो हमारी टीम ने ऑब्जर्व किया कि आपका जो यूजर नेम है वो है पार्थ आगे अंडरस्कोर वीगन, तो अब ये जो वीगनिज्म है ये आपने लाइक पहले से आपका सपोर्ट था इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत एनिमल क्रुएलिटी पे भी कहीं ना कहीं काम कर ही रहते थे उसके अगेंस्ट, तो ये चीज़ मतलब आपके मेडिकल लाइन वाला जो करियर जो है ना उसके बाद आई या पहले से कुछ ऐसा था मन कि नहीं अपन को ऐसा करना? तो ये पहले से था और इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है, ये मेरी क्लास 7th की बात है, जब क्लास 7th के मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं सो रहा था, ठीक है, एकदम से मेरी बुआ आती है जो आपकी टीम मेंबर है उनकी एक उनकी मदर, ठीक है, तो वही आती है और सुबह मैं जगता हूँ उठाती हूँ, कहती हैं कि छोटू बाबा नहीं रहे, मेरा घर का नाम छोटू था और फर्स्ट टाइम मैंने घर में किसी की डेथ होते हुए देखी, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही था कि किसी की भी डेथ होते हुए देखी। मैं नीचे गया और वहाँ पर मेरे दादाजी लेटे हुए थे और मतलब मैं सोच रहा था कि उठ जाएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब उठ जाएंगे ना, तो है लेटे हुए सो रहे होंगे, तो वो उठे ही नहीं। मैं गया उनके साथ गाड़ी में लेकर उनको गए हम, और मैं सोचता रहा कि शायद उठ जाएंगे लेकिन नहीं उठे। एंड यहाँ पर मेरे लिए और मेरे फादर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में कि हम तो नॉर्मल लोग हैं, मेरे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे, अच्छा नॉर्मल खाना खाते थे, सब करते थे, फिर कैसे क्यों वो एक 68 की एज में, जो एक बहुत अर्ली एज है, क्यों उनकी इससे डेथ हो गई होगी, हार्ट अटैक आ गया होगा, सब यही बोल रहे थे, कॉमन यही आता है लोगों को, यही लगता है, लेकिन कोई उसका कुछ प्रूफ नहीं था। जब वो डेथ हुई तो सडन थी, उसके पहले कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं था, कुछ नहीं था, अनएक्सपेक्टेड थी। तो पापा ने रिसर्च करी कि क्या ऐसा रीज़न रहा, तो उसके बाद उन्होंने जो सिम्टम्स उनको आया उस पॉइंट पे उसको पढ़ के समझ में आया कि उनको स्ट्रोक आया था, और मेरे दादाजी पहले से डायबिटिक थे काफ़ी क्रोनिक डायबिटिक्स थी उनको, तो धीरे धीरे उन्होंने पढ़ा और समझा कि हमारी जो डाइट हम नॉर्मल मानते हैं
कि भाई रोटी सब्जी, रोटी सब्जी दाल चावल भी हाँ। और जो भी है जो भी अपन हाँ। खाते हैं कि भाई छोले भटूरे, या मुझे लगता है कि मोर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स की जैसे दूध पीना और दही खाना, दही पनीर, पनीर ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है ठीक है, मतलब रोज कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उसमें तो गड़बड़ है, क्योंकि डायबिटीज होना नॉर्मल नहीं है, स्ट्रोक 68 में चले जाना भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि आजकल डायबिटीज बहुत ही कॉमन है, मतलब सर्दी जुकाम जैसी हो गई है अब तो। बिल्कुल, तो फिर समझ में आया कि ये सब एक चीज है जो डाइट की वजह से ही हो रही है, और इसका सिंपल सा तरीका है इसको अगर रोकना है कि जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं खाओ, और वही वीगनिज्म है। तो कहीं शायद ऐसा तो नहीं कि जो एनिमल्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जो उनके प्रोडक्ट में एज आपके में डेवलप कर रहे हैं उन चीज़ों के सिम्पल? तो ये तो है ही, इसके अलावा अच्छा। भी 10 चीज़ें हैं हाँ। मतलब एनिमल्स के अंदर तो पहली बात आप जो भी मिल्क बना रहे हो हाँ। तो वो आर्टिफिशियली जो है उस ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन जाता है हाँ। आजकल तो मिल्क भी मिल्क नहीं आ रहा मतलब हाँ, तो उसमें भी वॉशिंग पाउडर निर्मा चल रहा है और ये तेल चल रहा है, डालडा चल रहा है, ये चल रहा है, तो मतलब ऑलिट्रेशन की तो बात छोड़ो, जो एक्चुअल मिल्क हम तो उसकी भी बात कर रहे हैं कि वो भी आपके लिए नहीं बना, क्योंकि मिल्क एक्चुअली वो गाय का है, इंसान का नहीं है, और गाय का दूध बायोलॉजी के लिए अगर इफ यू विल स्टडी यू विल फाइंड कि वो बच्चे के लिए बना गाय के फॉर द इनिशियल पीरियड्स, जब गाय का बच्चा पैदा हुआ है तो उसको नरिशमेंट चाहिए, इसलिए जब भी दूध निकालना है तो गाय को प्रेग्नेंट करना पड़ता है और फिर बच्चा होता है उसके बाद वो दूध देती है, मतलब प्रोसेस ही होता है उसके पहले वो दूध नहीं दे सकती, और मतलब हमें लगता है कि गाय हमारी माता है, हमें सब लोग बोलते हैं, तो गाय अगर आपकी माता होती और गाय अगर आपको माता मानती तो आप जब गाय के पास जाओगे दूध निकालने के लिए उसका थन को भी टच करोगे ना आप, ये मैंने किया है, तो वो थोड़ा रिबेल करती है, लात मारेगी इतनी जोर की आपका मुंह टूट जाएगा, तो गाय आपको अपना बच्चा नहीं मानती, आप गाय को माता मान के उसका दूध चुराते हो, मतलब जबरदस्ती आपने डिक्लेयर कर दिया और आपको चाहिए वाली। हाँ, तो इवन आप जब देखोगे दूध निकालने की प्रोसेस जो है उसमें बच्चा जो होता है, शॉर्ट में बताऊंगा तो जो बछड़ा होता है उसको बांध के रखा जाता है, बछड़े के बिना गाय कभी दूध नहीं देगी, तो बछड़े जरूरी है, तो बछड़े और गाय को अलग अलग बांध के रखा जाता है, बांध के भी इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे तो बछड़ा अपना दूध पीते रहेगा ना आराम से, तो दूध तो आपको सुबह और शाम निकालना है, और वो बछड़े को छोड़ दिया तो दिन भर पीते रहेगा, बच्चे के नहीं आपको पीने के लिए, इसलिए बांध के रखा गया, अब बछड़े को आपने छोड़ा शाम को और बछड़ा जाके प्यासा था दूध के लिए तो भाग के गया और वो अपना मुंह मारता है थन पे जिससे कि दूध आए, माँ को फील आता है कि बच्चा आ गया दूध निकाल, जैसे दूध भरता है थन में तुरंत बछड़े को बांध मतलब वापस से बांधने जाता है उसको, बिल्कुल खींच के वो पीना चाह रहा होता है उसको खींच के वापस से बांधने जाता है और फिर दूध को निकाला जाता है, ये एक प्रोसीजर है जो गाँव में फॉलो होता है, मैं ये देखने के लिए गाँव गया था अपने नीट के बाद, और इसी में एक फ्लॉ है, आप अगर देख सकते हो अपनी आंखें आपकी अगर खुली हुई है दिमाग खुला हुआ है तो आपको दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और यही गड़बड़ आदमी आप गाय के साथ नुकसान तो कर ही रहे हो, आप खुद के साथ भी नुकसान कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल जो मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज है वो पूरा का पूरा एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, प्लांट्स में जीरो होता है, किसी प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, एंड मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से है, सेम फॉर डायबिटीज है, साइड डायबिटीज भी हम बोलते हैं कि शक्कर खाने से डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं है, शक्कर खाना शक्कर भरना एक सिम्टम है डायबिटीज का, हाँ। मैं आपको बोलूं कि आपके घर में बदबू आ रही है आपके रूम में तो आप क्या करोगे बताओ, मतलब देखूंगी पहले तो क्या है और थोड़ा कुछ ऐसा यूज करूंगी जिससे ना आए, मतलब बेसिकली हाँ आपने फ्रेग्रेंसी यूज कर दिया तो आप फ्रेग्रेंसी यूज कर रहे हो ना हाँ। तो दुनिया भी फ्रेग्रेंसी यूज कर रही है, जब शक्कर बढ़ रही है ब्लड में तो हम क्या कर रहे हैं कि कैसे तो भी ब्लड शुगर कम कर रहे हैं हाँ। हम ये नहीं देख रहे कि फ्रेग्रेंस यूज करने से अच्छा हम जो चूहा मरा हुआ है उसको बाहर निकाल दें, बदबू अपने आप खत्म, मैं अपन कॉज मतलब, पे नहीं जा रहे हाँ, कि हाँ। जो डायबिटीज का कॉज है कि डायबिटीज का कॉज शुगर बढ़ना नहीं होता, शुगर बढ़ना एक सिम्टम होता है, डायबिटीज का कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि फैट से बढ़ता है, तो अगर आप वो फैट कम कर दोगे ना डाइट में तो ऑटोमेटिकली आपकी डायबिटीज ही खत्म हो जाएगी, आपको ना शक्कर बढ़ेगी ना दवाई की जरूरत, लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं हाँ, ऐसा करते हैं। वो भी गड़बड़ है, वो गलत है, वो कोई पढ़ा नहीं रहा कोई किसी को, आप सबको अपने बिजनेस से मतलब है, दवाई बेचो पैसा कमाओ, डॉक्टर भी कमा रहा है, फार्मा वाला भी कमा रहा है, तो प्रोडक्ट्स वाले भी कमा रहे हैं तो ये चल रहा है भाई, मतलब मैं कन्विंस हो रहा हूं, मतलब
नहीं खैर, मेरे को ऐसा भी लगता है कि मेरे को मिल्क प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट भी नहीं होते अभी, मेरे को रिसेंटली ऐसा फील होने लगा। होता ही है ना, क्योंकि मैं सुबह लैक्टेज एंजाइम होता है ना वो हमारे ब्लड में, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में होता नहीं है काफी लोगों को। जैसे मैं सुबह मतलब कॉफी, कोल्ड कॉफी, तो वो अब मेरे को बहुत हैवी, मतलब मेरे को 3 घंटे तक, हाँ मतलब फिर मेरे को मम्मी को, मम्मी कह रही नींद तुम्हें बहाने तो मिल्क में लैक्टोज जो शुगर होती है वो हम खाने के लिए बनी नहीं है, और उसको जो एंजाइम होता है सुराइज करने का वो हमारे इनिशियल पीरियड्स में होता है जब इन्फेंट होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। पर लेकिन अपन तो बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, वो वाली बात है। तो जैसा अपन ने देखा कि खाने वाली जो फूड इंडस्ट्री है इसमें पूरा स्कैम ही चल रहा है कि इंसान को अपना बिजनेस करना है, अब आपको जो भी हो वो आपके ऊपर है, वो बाकी सब चीज़ें अपनी गई। ऐसे ही नीट में भी तो अभी नया नया स्कैम ही चल रहा है कि पेपर लीक हुआ, लोगों तक पहुँचा, जिनका भला होना था हो गया, जिनके मतलब 650 भी आ गए उनको भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन है। तो और जैसे कि आप खुद, आपके पास इतने बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद एक नीट के ही एडुकेटर हो, तो आपको क्या लगता है कि जो ये चीज़ है, ये आपका आपका उसमें POV क्या है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, होना तो नहीं चाहिए, वो वाली बात? बिल्कुल, तो जब ये हुआ था तो बहुत बुरा लगा और मैंने इसके खिलाफ वीडियोज बनाए थे। इवन मैंने, मेरे पास एक पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी है जो मेडिकल यूट्यूबर्स हैं, हमने एक उनका बढ़िया व्हाट्सएप ग्रुप और सब बना रखा है। तो आई आज ऑल ऑफ देम की आखिर वीडियोस बनाते हैं। एंड सच बताऊं, मतलब मेरे को बड़ा अचंभा है इस बात का कि उन कॉलेज स्टूडेंट्स के, कॉलेज के डीन को मैसेज गए कि आपका बच्चा ये वीडियो बना रहा है। वो मैसेज मतलब एनटी ने नहीं किया होगा, दे आर डन बाय पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, ठीक है, और उनसे वो वीडियो हटवाए। इवन मैं भी अपने वीडियोज मुझे हटाने पड़े इसी वजह से, मतलब इस लेवल पे चीजें चल रही हैं कि स्कैम तो हुआ ही है, उसके बाद दबाव और रहे हैं, दबाव रहे हैं। इवन जो बड़े-बड़े जो मतलब क्रिएटर्स हैं, जैसे एनवी सर हैं, यू नो, है ना, एनवी सर ने बहुत काफी आवाज उठाई, आज उनकी चैनल से सारी वीडियो हट चुकी है। अच्छा, ये लेवल पे चीजें चल रही हैं। तो मतलब पहली बात तो स्कैम तो हुआ है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट एजेंसी ने किया है, कोई ना कहीं बीच में इन्वॉल्व्ड है जो अभी भी वो चीज को कर रहा है ना, डाल दिए। 6 बच्चे जिनके 720 नहीं आ रहे थे उनके 720 आ गए, टॉपर बन गए। मैं तो इनफैक्ट एक वीडियो देखा था जो बच्चे का मतलब फुल मार्क्स आए हैं उसका था, कि मैं तो एक सवाल छोड़ के आया था, तो ये कैसे हो गया मतलब, और उसने बोला मतलब कि हाँ ये वाला सीन हुआ है। पर क्योंकि वो बच्चा ऑनेस्ट था, हो सकता है ऐसे और बच्चे भी हो जिनके ऐसे ही मार्क्स भी आ गए। बिल्कुल, तो अभी जैसे ग्रेस मार्क्स वाला मैंने आपको बताया, अभी इस पर एक्शन लिया गया है। अब ग्रेस मार्क्स जितने भी दिए गए थे सब हटा दिए, उनका कहना 1500 लोगों को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया है। 1500 मतलब, लेकिन अभी भी लोग संतुष्ट नहीं है, बिकॉज आप कट ऑफ देखो, कट ऑफ मेरे कॉलेज के ही मुझे पता है कि 1610 से 620 के बीच में था, पिछले साल 610 ही था ही मान, और इस साल जो चल रहा है उस हिसाब से 670 कट ऑफ जाएगा। आप सो 720 में 670 वाले को तो ग्वालियर का कॉलेज मिल रहा है, तो फिर जो टॉप कॉलेज को ही अगर एम करने की सोचता भी है तो एम दिल्ली आपको 720 पे भी नहीं मिल रहा, वही तो बच्चा और कितना पढ़ ले। फुल लाने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है कॉलेज तो फिर तो रहने देते पढ़ाई, ये वाला सीन। तो अब मुझे भी कई बार मतलब जब ये हुआ था, सही बता रहा हूँ, मतलब मुझे भी इतना बुरा लगा कि अब मैं बच्चों को क्या बोलूँ कि भाई यू शुड एम 690, ये बोलूँ कि 690 एम करो, मतलब हर किसी को भी कैन नॉट एम, है ना। यूजुअली आई यूज्ड टू से कि भाई 600 आ जाओ, 630-640 भी ले आओ, मतलब अपन एक दो मार्क कम में भी ऐसा कि बहुत अच्छा कर लिया, अब यहां तो टॉप करके भी अच्छा नहीं कर पाए वाली सीन हो गई। हां, तो ये चल रहा है काफी और बहुत बुरा है। अभी अब ये है कि अभी रीनीट कराएं कि नहीं, तो अब कुछ लोग अगेंस्ट है, कुछ लोग साथ में है, क्योंकि रीनीट पे पूरा प्रेशर बन जाएगा फिर से सारे बच्चों, फिर से बच्चों का मतलब मेहनत फिर से करो, वो शुरू करो, तो काफी असमंजस है। लेकिन वो एक जब से जो नई एजेंसी आई है, ठीक है, वो जो टेस्टिंग एजेंसी आई है, सबको नाम पता है, वो एजेंसी जब से आई है ना, तब से पेपर का लेवल बहुत बिगड़ चुका है। मेरे टाइम पे आई थी 2019 में, मेरे टाइम पे भी जो कट ऑफ थे वो 30-40 नंबर बढ़े थे, ठीक है, और जबकि जब कॉलेज बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो सीन है। लेकिन तभी जो मेरा पेपर था उसके पिछले वाला पेपर बहुत हार्ड था, मतलब उसके कंपेरिजन में हमारा पेपर बहुत ईजी आया था, तो पेपर का लेवल और गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, और आज तो अब गिरने के साथ तो जाने क्या क्या गिर चुका है, ठीक है, तो पूरा करना पड़ेगा।
कि कहाँ पे किस एंगल पे लाइटिंग आएगी, किस एंगल पे कैमरा रखना है, माइक कहाँ रखना है, वो सारी चीजें भी स्टडी है, पर ये इवेल्यूएट नहीं हो पा रही मार्क्स के चलते, बस ये वाली चीज। तो फिर यही हम कर रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, पर लास्ट में मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे आप टॉपर हो, ठीक है, कि आपने पढ़ाई की, प्रॉपर पढ़ाई वाला पास भी अच्छे से कॉलेज लिया, रैंक आई, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है, हम पैशन फॉलो करेंगे, तो ये पढ़ाई और पैशन अलग अलग होती है, क्योंकि अभी भी पढ़ाई कर नहीं रहे हो आप, मतलब डॉक्टरी तो करने का ऐसा कुछ प्लान लग नहीं रहा है कि हो जाए तो हो जाए, करनी अपन को या तो एंटरप्रेन्योरशिप है या बच्चों की मदद करनी है भैया बनके, तो ये कैसे लगे पढ़ाई और पैशन एज अ टॉपर, मतलब तो इस पे मैं, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है, और इस पे मैं बोलूंगा कि मार्केट में एक नैरेटिव है, सबने थिएटर्स देखी है और सबको लगता है कि जो आमिर खान ने बोला था कि अपने पैशन को फॉलो करो और लाइफ में तुम बहुत एक्सेल कर जाओगे, बट सच बात पता है क्या है कि ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। अब तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, सच बात ये है कि जितने भी लोग अपने पैशन को फॉलो कर भी लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पैशन कब मिल रहा है, 14-15-16 साल की उम्र में हम सोच रहे हैं कि हम ये करना है लाइफ में, ये करना है, और फिर हम उसकी तरफ अगर चाहते जाएंगे, हमें वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो हम बहुत अच्छे लाइफ में कर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में जब आप करोगे तो केवल 10% आदमी है जो उसमें भी सक्सेसफुल हो पाता है, 90% का पैशन ही चेंज हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ा भी था एक किताब है सो गुड यू कांट इग्नोर यू, ठीक है, और मैंने एक प्रैक्टिकल भी देखा, मैं एक कॉलेज था, मेरा ड्रीम कॉलेज था ISC बेंगलोर, जहाँ पर मैं रिसर्च करने जाना चाहता था, एंड मैं वहाँ नहीं जा पाया था, बट कुछ दिनों पहले मैं उस कॉलेज में गया मिलने, जो मेरे सो मतलब बैचमेट हो सकते थे, तो उन लोगों से ही, मेरे बैच के लोगों से, कि भाई क्या चल रहा है, एंड दे सेड यार कि तू जो कर रहा है ना वो मेरा पैशन है, ठीक है। उनमें से कई लोगों का ये था कि यार मैं शायद डॉक्टर ही बन जाता तो मेरा सेफ रहता, मैं 15-16 साल की उम्र में ये सोचने लगा कि यार नहीं रिसर्च करनी है, अब उस चक्कर में मैं ऐसे फंस चुका हूँ कि यार अब मुझे ना जॉब करनी पड़ेगी किसी जगह पे, कम सैलरी भी मिलेगी और फिर कंट्रोल नहीं है मेरे हाथ में। लेकिन हाँ, तू जब अब पैसे कमा चुका है तो अब तू रिसर्च कर सकता है, तेरे हाथ में कंट्रोल रहेगा, तो बात आई कंट्रोल की ना कि पैशन की, एंड यही उस किताब में लिखा था कि जब आप इन तीन चीज़ें आपके हाथ में, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, आपको क्रिएटिव नहीं होने दे रहा, वो अपने हिसाब से चला रहा है, कंट्रोल नहीं है, आपको दिन भर बुला रहा है, इम्पैक्ट नहीं है, वो आपको नहीं अच्छा लग रहा वहाँ पे, आपको लग रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना था, या मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, निश के लिए मुझे काम नहीं करना था लेकिन अब करवाया जा रहा है, तो एक एक्टर भी वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, जो उसका ड्रीम था कि मुझे एक्टर बनना है। तो जो मैं आज कर रहा हूँ उसमें तीन चीज़ें हैं, इसलिए मैं कंटेंटेड हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ, मेरा पैशन वो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तीन चीज़ें हैं, और आपको मैं बोलूँगा कि आप पैशन चेंज मत करो अपना, आप ये तीन चीज़ें चेंज करो, पैशन हो या ना हो आप खुश उसमें रहो। हाँ कि पैशन छोड़ दो ना, तो हाँ हाँ मतलब भाई ये कि क्या बात, क्या भरोसा भाई, पैशन कर रहे हो पर दो दिन बाद उसमें भी बोर ही हो होता भाई, मतलब ये था ना कि अब उनका साइंटिस्ट बनना पैशन था लेकिन अब वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो गया, क्योंकि रियलिटी, क्योंकि उनको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, जॉब में उतना पैसे नहीं मिल रहे, और अल्टीमेटली आदमी को क्या चाहिए कि भाई उसके थ्रू मतलब वो काम करे खुद, मतलब हाँ जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, क्रिएटिव है कि भाई अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, कंट्रोल है कि मुझे इसके साथ करना है, तब करना है, अब करना है, इम्पैक्ट है कि हाँ मैं इससे अपने शहर में एक इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, तो आप लोग खुश हो, ठीक है, आपका मान लो इसी में पैशन नहीं होता मान लो तो भी आप कर रहे हो, जरूरी नहीं यार ये कोई पैशन थोड़ी है किसी का पॉडकास्ट बनाना, ये तो आज की तरीके है, 100 साल पहले तो पॉडकास्ट जैसी चीज ही नहीं होती थी, तो कोई पैशन थोड़ी बोलने लगेगा कि भैया, है ना, हम तो देख के लोगों को फिर सोचते हैं कि ये पैशन है हमारा, जब कोई और कर रहा होता तब लगता है कि अच्छा ये वाली चीज कर रहा है। तो मतलब पैशन वर्ड तो मैं बोलूंगा बहुत फ्रॉड वर्ड है और बहुत गलत है कि लोग सोचते रहते हैं, और वो भी 15 साल की उम्र में सोचते हैं कि ना ये पैशन है, और डांस पैशन है, ये पैशन है, लोग इस बात पे डिप्रेस है कि उनका पैशन नहीं है, ये वाला सीन चल रहा है। अब आज के टाइम पे यूट्यूब है तो यूट्यूबर बनना पैशन हो गया लोगों का, पहले यूट्यूब नहीं था तो कुछ और था, तो ये तो बहुत अजीब सी चीज है, आपको ये तीन चीजें अगर आ रही है
तो फिर आप मतलब वो चीज करो, पैशन वैशन बाद में सोचना। यार ऐसे पॉडकास्ट करने में मजा तो आता है क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलता है, भले खुद के बारे में हो कि हम कितना पीछे रह गए। भाई बंदे ने जेई कर लिया, नीट कर लिया, यूट्यूब कर लिया, उस पे भी टॉप कर दिया, मतलब खुद की नीच पे तो टॉप ही पे आया। और अपन किसी, आपने वो बोला था ना जब जब अपन जा रहे थे, आपने क्या बोला था कि किसी का भाई मेहनत करता है किसी का भाई फायदा उठाता है, और ये वो भाई हैं जिन्होंने अपने भाई का फायदा उठाया कि उन्होंने इतनी मेहनत की, अपना पॉडकास्ट बनाया। ऑफ कोर्स तू मेहनत कर भाई, मैं एक दिन आऊंगा पॉडकास्ट बना के व्यूज ले जाऊंगा उस पे। हाँ, अगर आए तो आएंगे ही, क्योंकि हाँ, ये लोग अभी तक रुके अपनी बात सुन रहे हैं, वो लेट्स गो। तो ऐसे ही हमारी बातें सुनते रहिए और पीओवी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए ऐसे अच्छे अच्छे गेस्टों के लिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल यू, बाय।